नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की तरफ से पदों में बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 पदों में बढ़ोतरी। इसी के साथ दोस्तों, विज्ञप्ति व सर्टिफिकेट को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया है और आपका द्वारा रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों, पद बढ़ोतरी पर शिक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। शिक्षा मंत्री ने आज अलवर के दौरे पर दोस्तों, जब उनसे पूछा गया 50,000 पदों को लेकर, और जगह जगह पर दोस्तों जो है ज्ञापन भी दिया जा रहा है, पदों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार दोस्तों ज्ञापन दिए जा रहे हैं श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को पदों में बढ़ोतरी करने को लेकर। तो आज दोस्तों जो अलवर के दौरे पर शिक्षा मंत्री जी आए थे बीडी कल्ला, उनसे पदों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार स्टूडेंट ने मांग की, तो उनकी तरफ से दोस्तों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया, उन्होंने कहा कि पदों में बढ़ोतरी को लेकर उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर वो जो है आगे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने शिक्षकों के पद बढ़ाने वाले संबंधी सवाल पर कहा है कि पद बढ़ाने का जो कार्य है वो वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये वित्त विभाग का कार्य होता है, लेकिन जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपका क्या मन है कि आप पद बढ़ाओगे, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर मैं आगे मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और इसी बीच दोस्तों, कल आपकी उपेन्द्र यादव के बीच और मुख्यमंत्री जी के बीच बैठक हुई थी, लेकिन उसका कोई निर्णय निकल के नहीं आया। 50,000 पदों को लेकर 21 सूत्री मांगे थी, जिनमें से सिर्फ 5 से 6 मांगों को मांगा गया है दोस्तों। और आपके रीट में पदों को बढ़ोतरी को लेकर बिल्कुल भी दोस्तों मांग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई। 50,000 पद और इसी के साथ दोस्तों 5,000 विशेष शिक्षकों के पदों की भी मांग थी। टोटल आपके दोस्तों 52,000 पद की मांग की जा रही थी कि आपके जो विशेष शिक्षकों के और जो जनरल शिक्षकों के पद बढ़ाकर दोस्तों 50,000 करने चाहिए। यह देख सकते हैं दोस्तों, जी राजस्थान की तरफ से भी दोस्तों लगातार जो है आपसे पोल करवाया गया था, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट ने भाग लिया था पद बढ़ाने को लेकर। 70% स्टूडेंट इसको लेकर दोस्तों अपना वोट दिया कि पद बढ़ने चाहिए, लेकिन दोस्तों उपेन्द्र यादव की तरफ से कल कोई भी अपडेट नहीं आ पाई। हालांकि प्रयोगशाला सहायक भर्ती, टेक्निकल भर्ती, अन्य जो निम्नाणा परीक्षा केंद्र पर जो मुकदमे दर्ज थे उनको लेकर ही दोस्तों जो है अपडेट निकल के आई। 50,000 पद करने की मांग को लेकर दोस्तों कोई भी निर्णय निकल के नहीं आया। हालांकि आश्वासन दिया गया था, लेकिन दोस्तों कोई भी मजबूत यहाँ पर दोस्तों निर्णय निकल के नहीं आया है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन कोई भी काम है वो समय पर नहीं होता है। देख सकते हैं दोस्तों, रीट के शिक्षकों के पद 50,000 करने की मांग को लेकर लगातार स्टूडेंट जगह जगह पर दोस्तों जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं। लगातार जो है सरकार पर भी दबाव बना हुआ है, लेकिन दोस्तों सरकार इसको लेकर अभी फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं आ रही है दोस्तों। और ये देख सकते हैं दोस्तों, लगातार सभी जगह पर दोस्तों जो है पदों में बढ़ोतरी को लेकर जो है ये बैरंग पुनिया है दोस्तों, बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने भी दोस्तों सरकार को पत्र लिखा है कि 55,000 पद करनी चाहिए, 50,000 आपके जनरल शिक्षकों के और दोस्तों विशेष शिक्षकों के भी 5,000 पद होने चाहिए। टोटल 55,000 पदों को लेकर मांग की जा रही है, क्योंकि भर्ती दोस्तों लगभग ये 3 साल पुरानी भर्ती हो चुकी है। 2024 में ये भर्ती होनी थी, कोरोना के कारण दोस्तों लगभग आप इसमें भर्ती में काफी समय लगा है। हालांकि दोस्तों अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो 16,000 और 15,000 पर आपकी जो है बीकानेर विभाग है वो विज्ञप्ति जारी कर देगा। और बात करें दोस्तों पदों में कितने पद अभी खाली है, तो तृतीय श्रेणी के लगभग 47,000 पद अभी भी खाली है दोस्तों, 24,000 लेवल फर्स्ट में, 23,000 लेवल टू में पद खाली हैं। तो इनमें से अगर 20,000 पद भी बढ़ा देती है सरकार तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी पद बचे आते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो अब ये कह रहे हैं कि अगली भर्ती कराई जाए, ना कि पदों को बढ़ोतरी की जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों, रीट लेवल टू का संशोधित रिजल्ट जारी कब होगा इसको लेकर भी स्टूडेंट कंफ्यूज है। तो दोस्तों मैं बता दूं, 10 दिसंबर से पहले आपका लेवल टू का भी रिजल्ट आ जाएगा। लेवल वन के रिजल्ट की भी मांग हो रही है कि इसका भी द्वारा रिजल्ट है, लेकिन इसको लेकर अभी फिलहाल में दोस्तों अपडेट नहीं आ रही है कि आपका जो लेवल फर्स्ट का भी रिजल्ट आएगा, लेकिन लेवल टू का रिजल्ट दोस्तों द्वारा जारी किया जाएगा। इसको लेकर जो आपके बोर्ड अध्यक्ष डीपी जालोड़ी है वो भी बयान दे चुके हैं दोस्तों, और इनका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आप रीट की कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल में दोस्तों कल द्वारा से आंदोलन होने वाला है बहुत बड़ी संख्या में, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शहीद स्मारक जयपुर पहुंचे दोस्तों और आंदोलन में भाग लें, ताकि 50,000 पदों को लेकर जो तो अंतिम मौका है विज्ञप्ति और सर्टिफिकेट कब आएंगे, तो लगभग इसमें भी दोस्तों अभी 7 दिन का समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि अब जो सर्टिफिकेट है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गए हैं और लगभग प्रिंट का काम जल्द ही पूरा होते ही दोस्तों आपके जो सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे। और जैसे दोस्तों आपको क्लियर हो जाता है 31,000 पदों पर दोस्तों, तो आपकी जो है विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। अगर 50,000 पद होते हैं तो बीकानेर विभाग 50,000 पद जारी कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों रीट को लेकर। बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो वित्त विभाग से बात करेंगे, पद बढ़ाने का काम वित्त विभाग का है। अब देखना होगा दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा कल ट्वीट करना है दोस्तों, वित्त विभाग को भी ट्वीट करना है
ताकि जल्दी से जल्दी पता पड़े दोस्तों। और रीड की कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।